अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर जेशान और आप देख रहे हैं यहां मत जाना। वंस अगेन हमारी आपसे मुलाकात एक बहुत ज्यादा अच्छे बात हो रही है, तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद। इस गैप के पीछे कुछ वजूहात रही हैं, वो वजूहात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हमारी जो आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के पीछे भी कुछ वजूहात है। मैं आपको इस वीडियो में वो वजूहात भी बताऊंगा। जहां तक बात है चैनल को क्विट करने की या गैप जो इतना रहा है, इसके पीछे बहुत ज्यादा वजूहात है। उसमें से कुछ वजूहात का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग वीडियोस देखते रहे, मतलब आए दिन कोई ना कोई जख्मी हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है। ये चीजें फिजिकल हो रही थी हमारे साथ, ये वो चीजें थी जो आप ऑन कैमरा देखते रहे, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी में वो चीजें जो हम आपको नहीं दिखा सके या नहीं बता सके, वो ऑफ द कैमरा हमारे साथ होती रही है। मतलब उन चीजों ने हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे दिमागों पे मेंटली बहुत ज्यादा अपसेट किया हुआ था हमें। ये थी एक वजह वीडियोस क्विट करने की। दूसरी वजह शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक पर्सनैलिटी जिनका आपने हमारी वीडियोस में जिक्र सुना होगा, इवन कि उन्होंने अपना नाम भी डिस्क्लोज करने से हमें मना किया हुआ था, प्रोफेसर साहब। वो बताए तो हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमारी टीम के लिए वो बैकबोन थे, हमें बैकएंड पे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी उनकी। वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके इंतकाल के बाद हमारी टीम का वो मोराल नहीं रहा, वो हिम्मत नहीं थी। ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब यहां मत जाना का जो सिलसिला दोबारा शुरू होने लगा है, इसकी एक वजह तो ये थी कि हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने की, जो इस चैनल को बनाने की वजह भी थी, और इस चैनल को दोबारा शुरू करने की भी यही वजह। और दूसरी वजह है आप लोगों का प्यार। ये जो प्यार आप लोगों का हमें आप लोगों की कमेंट्स, मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू कॉन्स्टेंटली मिलता रहा। हम लोग वीडियोस नहीं भी बना रहे थे, फिर भी आप लोगों के कॉमेंट्स आते रहे, हमारी खैरियत आप लोग पूछते रहे हैं, वीडियोस दोबारा बनाने का आप लोग बोलते रहे। इन मैसेजेस और इन कमेंट्स ने हमारे अंदर दोबारा जान डाली है। आप लोगों के प्यार ने हम लोगों को दोबारा वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। आप बहुत जल्द इसी चैनल पे हमारी नई वीडियोस देखेंगे। और जहां तक बात है आपकी अप्रिसिएशन और आपकी दुआओं की, वो हमारे साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ ही रहेंगी।